स्वदेश वाणी आपकी जुबानी। नमस्कार, शुभ प्रभात, जोहार। 17 जनवरी 2021 की सुबह की खबरों के साथ ये है स्वदेश वाणी। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बहुविवाह से परेशान तालिबान। अफगानिस्तान में मेहर और परिवार का खर्च बढ़ने से कमांडर कर रहे भ्रष्टाचार। ज्यादा शादियों से बचने का फरमान। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, 100 दिनों के कार्यकाल में 10 करोड़ अमेरिकियों को लगवाएंगे टीका। आइए सुनते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरें। टीका से भागेगा कोरोना, मोदी बोले 3 करोड़ लोगों से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू, दूसरी डोज लगवाना न भूलें। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने की वैक्सीनेशन प्रक्रिया की शुरुआत। मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ मनाया जश्न। चलिए चलें झारखंड की खबरों की ओर। रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई। झारखंड में 86,40,000 रुपए की ज्वेलरी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से चोरी के बाद कालका मेल से जा रहे थे हावड़ा। लालू से मिलते ही रो पड़ी बेटी चंदा। 3.5 घंटे की मुलाकात के बाद बोली, पिता का हाल जानने आई थी, कोई राजनैतिक बातें नहीं हुई। चलिए सुने खबरें खेल जगत की। रोहित से नाराज गवास्कर, कहा गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाया। हिटमैन बोले, आलोचना के बावजूद यह शॉट खेलता रहूंगा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम एक और रिकॉर्ड। लियोन ने सबसे ज्यादा 6 बार रोहित का शिकार किया, 100वें टेस्ट में मुकाम हासिल किया। ये थे आज तक के समाचार। अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर। धन्यवाद।